देख रहे हैं लोकल खबरें, लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वसई विरार महानगर पालिका के क्षेत्र, जो कि ग्राम पंचायत का क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र में हम कोई गांव बीच पे लेके आए हैं आपको। ये वसई पश्चिम का जाना माना बीच है। तो हमारा ये उद्देश्य है, हम आपको ये बताने के लिए इस खबर को आपको दिखाना चाहते हैं कि वसई के जो ये कोई गांव का बीच है वो किस प्रकार का बीच है और यहाँ पे परिस्थितियाँ किस प्रकार की है। और आज हम ये भी बताएंगे आपको कि जो ग्राम परिषद हो या फिर महानगर पालिका हो या फिर यहाँ का कोई भी स्थानीय प्रशासन किसी भी विभाग से जुड़ा हो, वो किस प्रकार जो एक टूरिज्म कहा जाता है कि बीचों पे लोग जगह जगह से कहीं बाहर से भी आते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग भी बीच पे आते हैं, तो बीच की दुर्दशा क्या है वो आपको हम आज इस खबर के माध्यम से दिखाएंगे और प्रयास करेंगे कि ये खबर जो है लोगों तक पहुंचे और लोगों में जागरूकता आए। उसके साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी जागृत हों और यहाँ पे जो गंदगी का वातावरण बना हुआ है वो कम से कम दूर। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें हमारे लोकल खबरें चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सभी इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि भूई गांव की जो समुद्री तट इलाका है वो किस तरह से प्रदूषण युक्त है। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, ये जो कीचड़ भरा मलबा ये समुद्र के अंदर जा रहा है, ये गटरों के माध्यम से आकर जो समुद्र में मिलता है वो उसकी गंदगी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार अधिकतर मात्रा में प्रदूषण जो प्लास्टिक जो होती है, जो हम आप जो इस्तेमाल करते हैं और उसे इधर उधर फेंक देते हैं, वो कितनी मात्रा में समुद्र तट पे आकर रुकी हुई है। और आपको जैसा पता है कि समुद्र कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अपने वेग से अपने बहाव से उसे किनारे पर लगा ही देता है। तो ये तस्वीरें हैं प्लास्टिक युक्त समुद्र बीच कह सकते हैं। तो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है यदि चाह ले तो इसे एक पर्यटक स्थल पर रूपांतरित कर सकता है और यहाँ से मोटी आमदनी स्थानीय प्रशासन को हो सकती है। किंतु ये बीच अमूमन ये एक ही बीच की समस्या नहीं है, ये वसई तालुका के से जुड़ने वाली हर समुद्री तट के किनारे बीच की यही व्यवस्था है कि वहां न साफ सफाई है, प्रदूषण से भरा, अस्वच्छता से भरा वातावरण है और किसी भी प्रकार का टूरिज्म का सूत्र या कह दे पर्यावरण को बचाना हो या फिर और कोई भी अन्य तकनीक का इस्तेमाल किसी भी समुद्री तट पर नहीं किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नदारद है। सुरक्षा व्यवस्था ना होने से एक बार क्या हुआ था आप सभी को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आप इस देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना पूर्व में होने के बाद भी आज हमारे समुद्री तट अव्यवस्था से दो चार होते ही है, किंतु यहां पर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है। तो बने रहिए लोकल खबरें के संग, और भी खबरें हम आपको दिखाएंगे, अभी आगे आपको बढ़ेंगे और आगे पूरा जो समुद्री तट का जो पूरा इलाका है, पूरा क्षेत्र है, वो भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार का इस क्षेत्र में यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पे कार्य किया है। तो आगे बढ़ते हैं और आइए और आगे की भी आपको तस्वीरें हम आपके अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में प्लास्टिक का प्रदूषण या फिर जो भी आप समझे वो किस प्रकार का यहाँ वातावरण को बना रहा है और क्या देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोगों को, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। यदि आप लोगों को अगर समझ में आए कि यहाँ का प्रशासन यहाँ की जनता और पर्यटकों को क्या देना चाहती है और क्या दे रहे हैं, अगर आपको समझ में यदि आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हो सके तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं
और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें कि ये यदि प्रशासन नहीं करेगा तो हम कर सकते हैं, और हमारा भी कर्तव्य है हमारे समुद्री तटों को बचाने का, और प्रदूषण और अस्वच्छता का वातावरण को हम बनने से रोक सकते हैं। तो ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक जागरूकता मुहिम के तहत आपको दिखाई जा रही है। तो हमें अपेक्षा है कि इस खबर को देखकर आप लोग स्वयं जागृत होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद।